नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 अक्टूबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, 7,000 रुपए की सहायता राशि की हुई घोषणा, 48,000 पीड़ितों को सहायता राशि का मिलेगा लाभ। तबादले के लिए सिफारिश करना पड़ेगा महंगा, गृह विभाग ने सख्त दिए निर्देश, पकड़े जाने पर देना होगा स्पष्टीकरण या होगी कार्रवाई। बाढ़ में कई परिवारों की जमीन के कागजात हो गए हैं नष्ट, तो घबराए नहीं, सरकार करेगी व्यवस्था। सरकार ने बाढ़ प्रभावित 16 जिलों को दी राहत। दुर्गा पूजा की तैयारियों के बीच बिहार पुलिस अलर्ट, इस वर्ष जारी होगा जुलूस का लाइसेंस, 10,000 पुलिस कर्मियों की लगी ड्यूटी। बिहार के संजय मिश्रा की एक्टिंग देख हो जाएंगे उनके दीवाने, नेटफ्लिक्स पर संजय मिश्रा की बेस्ट मूवी को देख सकते हैं। भक्षक, सर्कस और कामयाब जैसी कई फिल्में हैं शामिल। 6 अक्टूबर से ग्वालियर में होगी T20 सीरीज की शुरुआत, इंडिया बांग्लादेश मैच के लिए भारतीय टीम कर रही तैयारी, BCCI ने प्रैक्टिस वीडियो किया जारी। चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के 40 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट mphc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होना जरूरी है, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके सूचना और आधिकारिक वेबसाइट को जरूर देखें। बिहार में चल रही जमीन सर्वे के बीच आई बाढ़ ने परेशानी बढ़ा दी है। बाढ़ से पीड़ित कई परिवार बाढ़ के पानी में जमीन के कागजात नष्ट होने की बात कह रहे हैं। अब इस मामले पर भूमि राजस्व एवं सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि ऐसे परिवारों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार सब व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित जिलों के वैसे भूस्वामी जिनके जमीन के कागजात नष्ट हो गए हैं, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे तमाम रैयतों को कागजात उपलब्ध करवाए जाएंगे। बिहार सरकार का ये निर्णय बाढ़ प्रभावित 16 जिलों को लेकर लिया गया है। इन जिलों में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण, सहरसा, कटिहार और खगड़िया शामिल है। इस संबंध में अंचलाधिकारी को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। उत्तर बिहार के जिले बिहार के जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाने में सबसे बेहतर हैं। इन जिला अस्पतालों में किशनगंज, कटिहार और सुपौल शीर्ष स्थान पर हैं। आपको बता दें कि राज्य स्वास्थ्य समिति ने सितंबर में समीक्षा की थी, जिसके बाद ये रैंकिंग सामने आई है। इस रैंकिंग में किशनगंज को 98% अंक मिले हैं, वहीं कटिहार को 98.7% मिले हैं और तीसरे स्थान पर सुपौल 97.5% अंक के साथ शामिल है। वहीं इस मामले में सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले जिलों में हाजीपुर, भोजपुर और नवादा शामिल है। वहीं अनुमंडल स्तर के अस्पतालों में ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाने में बेतिया का अनुमंडल अस्पताल पहले स्थान पर और समस्तीपुर व बक्सर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। आपको बता दें कि मरीजों को OPD सेवाओं का ऑनलाइन करने पर मरीजों के निबंधन और जाँच आदि की जानकारी महज 1 क्लिक में सामने आ जाती है। इस सुविधा ने मरीजों के पुर्जे काटने और किसी तरह के पेपर से संबंधित दस्तावेजों को संभाल के रखने की जरूरत को खत्म कर दिया है। अब बिहार में अधिकारी और कर्मचारी तबादले के लिए अपनी सिफारिश नहीं करवा सकेंगे, ऐसा करना अब उन्हें महंगा पड़ सकता है। दरअसल गृह विभाग ने अधिकारियों और कर्मियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बनी नीति की सख्ती से पालन करने की बात कही है। आपको बता दें कि इस नीति के तहत कोई भी जानकारी सरकारी सेवक किसी भी बाहरी व्यक्ति से अपने ट्रांसफर या पोस्टिंग की सिफारिश नहीं करवा सकता है। यदि वो ऐसा करता है तो उससे इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, साथ ही उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इस संबंध में भी गृह विभाग के सचिव ने पुलिस मुख्यालय और कारा व सुधार सेवाएं, गृह रक्षा वाहिनी समेत अधीनस्थ कार्यालयों को इसके लिए पत्र लिखे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत देशवासियों को यूनिवर्सल हेल्थ सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। अब गूगल के साथ मिलकर एक व्यवस्था विकसित की जा रही है, जिससे लोग गूगल वॉलेट पर आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड यानी आभा ID प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा 2025 से उपलब्ध होगी, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से लाभ मिलेगा।
गूगल वॉलेट पर ये कार्ड होने से उपयोगकर्ता अपने मेडिकल रिकॉर्ड जैसे लैब रिपोर्ट और दवाइयों की पर्चियां आसानी से साझा कर सकेंगे। साथ ही सुरक्षा के लिए फोन को फिंगरप्रिंट, पिन या पासकोड से लॉक किया जा सकेगा। मालूम हो कि आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना हर साल गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक की बीमा कवरेज देती है। बीते दिन बाढ़ पीड़ितों के लिए सीएम नीतीश ने बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के तहत बाढ़ पीड़ितों के लिए 7,000 रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया गया है। ये सहायता राशि दुर्गा पूजा से पहले ही दी जाएगी। आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में सीएम नीतीश लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। ये सहायता राशि प्रदेश के 48,000 बाढ़ पीड़ितों को दी जानी है। दरभंगा में बाढ़ राहत से जुड़े केंद्रों का भी सीएम नीतीश ने निरीक्षण किया है। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों को मिले जरूरत के सामान जैसे चूड़ा, चीनी, गुड़, माचिस, मोमबत्ती, चावल, दाल आदि का निरीक्षण भी किया गया। बिहार सरकार की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को अधिक से अधिक सुविधा का सामान मिले, इससे लेकर विशेष रणनीति बनाई गई। दुर्गा पूजा पर्व के शांतिपूर्ण समापन और प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए बिहार पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष जुलूस के लिए लाइसेंस जारी किया गया है और प्रशासनिक प्रबंध के साथ सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा रही है और संवेदनशील स्थानों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। बिहार में लगभग 16,000 प्रतिमाएं स्थापित होने की संभावना है, जिसके लिए 10,000 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। निरोधात्मक कार्रवाई के तहत 1,35,000 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है। सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी निगरानी रखी जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए डायल 112 की 24/7 सुविधा उपलब्ध है। बिहार पुलिस ने सभी से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे कैलाशपति मिश्र की। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1923 में बिहार के बक्सर में हुआ था। ये वर्ष 1977 में कर्पूरी ठाकुर की जनता पार्टी सरकार में वित्त मंत्री नियुक्त किए गए थे। ये भाजपा के अध्यक्ष भी बने और पार्टी में भीष्म पितामह के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने जेपी के 1974 के जन आंदोलन में भी भाग लिया था। वर्ष 2016 में इनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया था। पर्व त्योहारों की शुरुआत के साथ ही बिहार लौटने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। इस अवसर का फायदा उठाते हुए विमानन कंपनियां किराए में इजाफा कर रही है। ट्रेनों से भी कंफर्म टिकट नहीं मिलने के कारण लोग फ्लाइट से आने पर मजबूर होते हैं। ट्रेन से यात्रा करने वाले को पहले से 4-5 महीने ही टिकट बुक करनी होती है। छठ महापर्व 7 नवंबर से शुरू हो रहा है। अब इसी बीच बिहार आने वाली फ्लाइट्स के टिकट दोगुने हो गए हैं, खासकर पुणे, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में। दिल्ली की बात करें तो वहां का औसत किराया 4,500 होता है, लेकिन 4, 5 और 6 नवंबर को ये किराया 8,500 से लेकर 11,000 रुपए तक के करीब में रह सकता है। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां का औसत किराया 6,400 रुपए होता है, लेकिन 4, 5 और 6 नवंबर को 11,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए के करीब में रह सकता है। ऐसे में यदि आप इस त्योहारी सीजन में बिहार आना चाह रहे हैं तो जल्द से जल्द टिकट बुक कर लें, वरना आगे जाकर आपको महंगे टिकट खरीदने पड़ सकते हैं। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं की समय पर जांच के लिए निगरानी विभाग एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर रहा है, जो अगले महीने तक तैयार हो जाएंगे। निगरानी के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने हाल ही में एक बैठक में शिकायतों के समय पर निपटारे के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि मामले के निपटारे के तुरंत बाद जानकारी निगरानी विभाग को भेजी जाए। सभी तकनीकी विभागों में योजनाओं की रैंडम जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। पोर्टल के माध्यम से सभी शिकायतें विभागों को भेजी जाएंगी, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। बैठक में चल अचल संपत्ति की खरीद बिक्री के नियमों पर भी चर्चा की गई है और अनियमितताओं की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। नालंदा जिले के 26 थानों में सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंट सर्विसेज लिमिटेड के लिए शिविर लगाए जाएंगे। इस शिविर के जरिए बेरोजगार युवकों को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए निबंधन होगा। 4 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में जिले के विभिन्न थानों में निबंधन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नालंदा भरत सोनी ने पत्र जारी करते हुए सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सभी संबंधित थाना अध्यक्षों को निर्धारित तिथि पर विधि व्यवस्था और सुरक्षा कार्य संधारण करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि अब तक जिला रोजगार केंद्र के माध्यम से रोजगार मेलों के माध्यम से जिले के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी एवं रोजगार मुहैया कराए जाते थे। SIS द्वारा पहली बार जिले में 26 स्थानों के परिसर में निबंधन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस रजिस्ट्रेशन कैंप के जरिए करीब 220 बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध करवाए जाने की उम्मीद है।
जहां चयनित युवाओं को 15,000 रुपए से लेकर 27,000 रुपए तक के मासिक वेतन और अन्य सुविधा मिल सकती है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 19 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और 10वीं से 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। प्रसिद्ध आईजी शिवदीप लांडे एक फेसबुक पोस्ट के जरिए फिर से चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने अपनी पत्नी गौरी के लिए एक भावुक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने अपने पत्नी के त्याग की सराहना की। लांडे ने लिखा कि त्याग ये शब्द शायद किताबों में पढ़ने में अच्छा लगता है या दूसरों को प्रवचन देने में, लेकिन गौरी ये तुम्हारा त्याग ही है जिसकी वजह से मैंने भारतीय पुलिस सेवा से त्याग पत्र देने और बिहार में अपना अगला समय बिताने का फैसला लिया। तुम्हारा मेरे इस फैसले के प्रति समर्पण, आहरा के साथ खुद के दायित्व संभालने की जिम्मेदारी लेना और मेरे बिहार के प्रति संवेदना को समझना, मैं इनके आगे कुछ कहने के लिए शब्द नहीं ढूंढ सकता। गौरी तुमको जन्मदिन की दिल से शुभकामनाएं। मोटर व्हीकल एक्ट में महत्वपूर्ण संशोधनों का प्रस्ताव सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय द्वारा रखा गया है। इस प्रस्ताव में मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स और ट्राइब्यूनल्स को के मामले को निपटारे के लिए 12 महीने का समय दिया जाएगा। साथ ही मोटरसाइकिलों के कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के रूप में मान्यता दी जाएगी, जिससे रैपिडो और उबर जैसी कंपनियां कानूनी तौर पर मोटरसाइकिल का व्यावसायिक इस्तेमाल कर सकेंगी। मंत्रालय 16 से 18 वर्ष के लिए युवाओं को 50 cc की मोटरसाइकिल या इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने की अनुमति भी का प्रस्ताव रख रहा है। आपके अनुसार 16 से 18 वर्ष के बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति मिलनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अधिवक्ता राजीव रंजन सिंह ने बिहार में चल रहे जमीन सर्वे पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन अब बीते दिन इस याचिका को इन्होंने वापस ले लिया है। इस याचिका को लेकर पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिका में पर्याप्त ब्यौरा नहीं है। इस सुनवाई के दौरान इस याचिका को वापस ले लिया गया, साथ ही याचिका को अदालत ने खारिज भी कर दिया। आपको बता दें कि इस याचिका के जरिए आरोप लगाया गया था कि वर्तमान सर्वे में बहुत खामियां हैं, कोई कानूनी तंत्र नहीं अपनाया गया है, वर्तमान सर्वे से स्थिति और बदतर होगी जिसकी वजह से भविष्य में मुकदमेबाजी बढ़ेगी। वहीं प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को प्रतिवादी बनाया गया था। बिहार से संबंध रखने वाले संजय मिश्रा भारतीय सिनेमा के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। इन्होंने अपनी विविधता और प्रतिभा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। उनकी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और भावनात्मक गहराई उन्हें दूसरे कलाकारों से सबसे खास बनाती है। नेटफ्लिक्स पर उनकी कई फिल्में मौजूद हैं जो आपको संजय मिश्रा के एक्टिंग का दीवाना बना देगी। इसमें सबसे पहले है सर्कस और कामयाब, जहां उन्होंने अद्भुत अभिनय किया है। भक्षक में एक पत्रकार की कहानी है जो एक आश्रय गृह में दुर्व्यवहार का पर्दाफाश करती है। कामयाब में मिश्रा ने संघर्षशील अभिनेता की भूमिका निभाई है जो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है। संजय मिश्रा का सिनेमा में योगदान उनकी अद्वितीय प्रतिभा को दर्शाता है जो कॉमेडी और ड्रामा के बीच सहजता से बदलते हैं। बिहार सरकार केंद्र सरकार से नक्सलवाद के खात्मे और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए सहयोग मांगेगी। नई दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होने वाली है। ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी, जिनमें बिहार का प्रतिनिधित्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। इस बैठक में बिहार के नक्सल प्रभावित जिलों जैसे औरंगाबाद, गया, मुंगेर, जमुई, कैमूर, नवादा, लखीसराय और रोहतास की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की जाएगी। हालांकि इन जिलों में नक्सल गतिविधियां कम हो गई हैं, विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। बैठक में सुरक्षा थाना भवनों के निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं का लाभ उन क्षेत्रों के निवासियों तक पहुँचाने के लिए केंद्र से अतिरिक्त आर्थिक सहायता की मांग करेगी। नालंदा का कतरी सराय प्रखंड अब डिजिटल फ्रॉड के मामले में जामतारा से आगे निकल चुका है। हाल ही में पुलिस ने रसलपुर गांव से 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास हथियार, ठगी के उपकरण और 3 लाख नगद बरामद किए गए हैं। इन ठगों ने चिकन पार्टी के बहाने बड़े पैमाने पर साइबर ठगी का धंधा चलाया था। DSP सुनील कुमार सिंह के मुताबिक इन ठगों ने कई अन्य सहयोगियों के नाम पर उजागर किए हैं। रसलपुर गांव अब साइबर ठगों का सुरक्षित क्षेत्र बन चुका है, जहां लोन, ऑनलाइन शॉपिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर ठगी की जा रही है। पुलिस ने संबंधित बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए रिपोर्ट भी दर्ज की है। साइबर ठगी के शिकार लोग 1930 टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। बिहार के कई जिलों में बाढ़ के कारण स्थिति गंभीर है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। हालांकि पटना के गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से अब नीचे आ चुका है। आज भी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। राज्य के पूर्वी भाग में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात की संभावना जताई गई है।
इन जगहों पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री रहने की संभावना है, वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। राज्य के थैलेसीमिया मरीजों का मुफ्त में इलाज करवाया जाएगा, इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। उन्होंने बताया है कि 12 वर्ष से कम उम्र के थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के अस्थायी इलाज के लिए अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो प्रत्यारोपण सीएमसी वेल्लोर में होगा। एक बच्चे पर इस इलाज के लिए 15 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि इस इलाज के लिए राज्य कैबिनेट से मुख्यमंत्री द्वारा बाल थैलेसीमिया योजना को स्वीकृति दी जा चुकी है। प्रदेश में 2716 रोगी इस बीमारी के पंजीकृत हैं। जम्मू में उत्पाद विभाग की पुलिस ने एक शराब से भरे वाहन को पकड़ा है, जिसमें 56 कार्टन विदेशी शराब जब्त किए गए। शराब तस्करों ने पुलिस पर शराब की बोतलें फेंककर हमला किया और मौके से फरार हो गए। शुक्रवार सुबह लगभग 4 बजे झारखंड के देवघर से सिंगल स्टार लगे एक वाहन में शराब की खेप लाई जा रही थी। डुमरी चेक पोस्ट पर उत्पाद पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन तस्कर भागने लगे। पुलिस ने 4 किलोमीटर तक उनका पीछा किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वे फरार हो गए। उत्पाद अधीक्षक सुभाष पांडे ने कहा कि इस प्रकार की तस्करी की जांच की जा रही है। पहले भी सिंगल स्टार वाहन से शराब तस्करी का मामला सामने आ चुका है। कई लोग अमेरिका जाने का सपना देखते हैं। अमेरिका जाने के लिए वीजा एक आवश्यक दस्तावेज है। यूएस वीजा पाने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। वीजा के कई प्रकार भी हैं। पहला है पर्यटन वीजा यानी B2। ये वीजा घूमने या परिवार से मिलने के लिए होता है। दूसरा है व्यापार वीजा यानी B1। व्यापारिक उद्देश्यों के लिए ये वीजा इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है शैक्षणिक वीजा यानी F1, ये पढ़ाई के लिए होते हैं। फिर है कार्य वीजा यानी H1B, ये अमेरिका में काम करने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। आवेदन के लिए सबसे पहले आपको US राज्य विभाग की वेबसाइट पर जाकर DS-160 फॉर्म भरना होगा। इसके बाद वीजा शुल्क लगभग 160 से $190 का भुगतान करना होगा और अपने देश के US दूतावास में इंटरव्यू के लिए समय तय करना होगा। साक्षात्कार में अधिकारियों के सवालों का ईमानदारी से जवाब दें। आज जदयू ने पटना में बड़ी बैठक बुलाई है। सीएम नीतीश नई राज्य कार्यकारिणी को पहली बार संबोधित करेंगे, जिसमें 400 नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस बैठक से पहले पटना के कई चौक चौराहों पर पोस्टर देखने को मिले, जिसमें कई बड़े नेताओं की तस्वीरें थी। पोस्टर के जरिए जदयू ने सीएम नीतीश को भारतीय राजनीति का चाणक्य करार दिया। आपको बता दें कि जदयू का ये बैठक 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। इस बैठक में सीएम नीतीश कई मुद्दों पर फैसला ले सकते हैं और चुनाव की रणनीति तैयार की जा सकती है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक संभावना जताई जा रही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत 6 अक्टूबर से ग्वालियर में होगी। टीम इंडिया इस मैच के लिए जोरदार तैयारी कर रही है, जिसमें तेज गेंदबाजों का प्रैक्टिस सत्र शामिल है। BCCI ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें नए बॉलिंग कोच मोर्ने मोरकल गेंदबाजों को मार्गदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। मोरकल हार्दिक पांड्या के गेंदबाजी रवैये से असंतुष्ट नजर आए और उनके रनअप और रिलीज पॉइंट पर काम किया। मयंक यादव और हर्षित राणा जैसे युवा गेंदबाजों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। भारत ने पहले ही बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराया है और अब उनकी नजर T20 पर है। टीम में सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, रिंकू सिंह और वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1989 में न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी। आज के दिन वर्ष 1999 में भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर होने वाले विशेष बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया था। आज के दिन वर्ष 2008 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सेतु समुद्रम परियोजना के लिए दूसरी जगहों का परीक्षण किया था। आज के दिन वर्ष 2011 में भारत में दुनिया का सबसे सस्ता 2,250 रुपये का टैबलेट PC आकाश लॉन्च हुआ था। आज के दिन वर्ष 1524 में भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध वीरांगना रानियों में से एक रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1890 में किशोरी लाल मसरूवाला का जन्म हुआ था। ये एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। बीते दिन शेयर मार्केट क्रैश हो गया। बाजार के खुलते ही शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 अंक टूट गया।
फिर थोड़ी ही देर में हरे निशान पर कारोबार करने लगा। फिर अचानक आखिरी कारोबारी घंटे में बड़ी गिरावट आई, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 900 अंक से ज्यादा फिसल गया। सेंसेक्स 808.65 अंक की गिरावट लेकर 81,688.45 पर बंद हुआ। आपको बता दें कि जिन 10 शेयरों का हाल सबसे बुरा हाल रहा, उसमें M&M, बजाज फिन, नेस्ले इंडिया, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक, रिलायंस, अडानी पोर्ट्स आदि शामिल है। वहीं सेंसेक्स में करीब 809 अंक और निफ्टी में 235 अंक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसको जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 30 सितंबर, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 29 सितंबर। इसका सही उत्तर है 30 सितंबर। हाल ही में भारत ने जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन है 8, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10। इसका सही उत्तर है 7। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाई हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? ऑप्शन ए है अक्षर पटेल, ऑप्शन बी है रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन सी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी है कुलदीप यादव। इसका सही उत्तर है रविंद्र जडेजा। नव शक्ति के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए सर्च लाइट, ऑप्शन बी है देशवाणी, ऑप्शन सी है कांग्रेस समाचार, ऑप्शन डी है बिहार हेराल्ड। इसका सही उत्तर है सर्च लाइट। बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950। इसका सही उत्तर है 1950। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है रवि कुमार राम, सपना कुमारी, ओमकार सिंह, आलोक प्रियदर्शी, गुनर शर्मा, राज किशोर महतो, रंजीत मिश्रा, रवि मोहन वर्मा, राजू कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, छोटू राजा, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद अजमेर, रूपा कुमारी, अमित पासवान, नौशाद रजा, अनवर करीम खान, संजीव कुमार, राम बाबू दास, पद्माकर चौधरी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका पसंदीदा त्यौहार कौन सा है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।